हिंदुस्तान में सबसे आज चलने वाला और हम सबका फेवरेट शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो आपने जरूर देखा होगा, और इसमें भी हम सबका फेवरेट कैरेक्टर दिलीप जोशी द्वारा प्ले किया जाने वाला जेठालाल का कैरेक्टर। पर क्या आप जानते हैं, इस आइकॉनिक कैरेक्टर के लिए दिलीप जोशी पहली पसंद नहीं थे। शो के प्रोड्यूसर असित मोदी चाहते थे कि दिलीप जोशी बापू वाला कैरेक्टर यानी चंपकलाल गढ़ा वाला कैरेक्टर प्ले करें, और जेठालाल वाला कैरेक्टर दिलीप जोशी से पहले कई सेलेब्स को ऑफर हुआ था, जिसमें सबसे पहले आते हैं मशहूर अभिनेता राजपाल यादव, लेकिन उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया था। उसके बाद द कपिल शर्मा शो में बच्चा यादव और पलक का किरदार निभाने वाले किक्कू शारदा को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने भी इस रोल को करने से मना कर दिया था। इसके बाद ये रोल अली असगर, एहसान कुरैशी और योगेश त्रिपाठी को ऑफर हुआ था, लेकिन हर कोई किसी न किसी वजह से इस रोल को करने से असहमत था। उधर दिलीप जोशी ने चंपकलाल गढ़ा वाला रोल करने से मना कर दिया था और इस जेठालाल वाले कैरेक्टर को करने की इच्छा जताई थी, और इस तरह से ये रोल दिलीप जोशी को मिला, जो कि हमको लगता है कि इस शो के लिए ये सबसे अच्छा डिसीजन था। आपको क्या लगता है, कौन सा एक्टर और अच्छे तरीके से निभा सकता था इस कैरेक्टर को, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो स्क्रीन शॉट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।